अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। गुड मॉर्निंग। आज हमारे विद्यालय का बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारे विद्यालय में कलेक्टर महोदय पधारे हैं। मैं महारानी सिन्हाबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल देवास से अंबिका राजपूत हमारे देवास जिले के जिलाधीश महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, आप हमारे विद्यालय में पधारे। सर, साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले मैं आपको हमारे विद्यालय की जानकारी देना चाहती हूँ। सर, हमारे जो विद्यालय है वो लगभग 70 वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक विद्यालय है। अनेक विख्यात हस्तियाँ यहाँ की पूर्व छात्राएं रह चुकी हैं। सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी क्योंकि हमारी जो प्राचार्य मैम है वो भी इस विद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी है। इसके हिसाब से वो हमारी सुपर सीनियर के रूप में है, इसलिए उनसे हमारा रिश्ता सीनियर और जूनियर का है। इसके अलावा हमारे विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं भी इस विद्यालय की पूर्व छात्राएं रह चुकी हैं। सर, मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड द्वारा संचालित EFA अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल इस योजना में हमारे विद्यालय का चयन होने से अब ये एक विशेष स्कूल बन गया है। और सर, अभी हमारे विद्यालय में 40 कंप्यूटर की सर्व सुविधा युक्त लैब है और वाईफाई कैंपस है। लैंग्वेज लैब भी शुरू होने वाली है। अभी यहाँ पर 3 मंजिला विशाल भवन बन रहा है। सर, जिले का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स संचालित है और जिले का एकमात्र ऐसा गर्ल्स स्कूल भी है जहाँ पर NCC है। इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए 2 वोकेशनल कोर्स IT व EHP उपलब्ध है। सर, हमारे यहाँ हर माह मासिक पत्रिकाएं निकाली जाती है जिसमें नगर के विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है एवं हमें प्रेरणा मिलती है। सर, हमारे यहाँ 1300 से भी ज्यादा छात्राएं अध्ययन करती हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड टीचर्स हैं, जिनमें से 3 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। तो सर, ये थी हमारे विद्यालय की जानकारी। अब मैं आपसे साक्षात्कार प्रारंभ करने की अनुमति लेना चाहती हूँ। सर, सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं मूल रूप से पंचकुला जिला हरियाणा में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है पंचकुला जिले में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है वहाँ से की, और उसके बाद 10वीं वहाँ से पास करने के बाद 11वीं और 12वीं मोतीराम आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से शिक्षा ग्रहण की थी। सर, आपने आपकी उच्च शिक्षा कहाँ से और किस कॉलेज से प्राप्त की है? उच्च शिक्षा के लिए मेरा चयन IIT दिल्ली में हुआ था, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने शिक्षा प्राप्त की। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों को छोड़कर आपने प्रशासनिक सेवा ही क्यों चुनी? प्रशासनिक सेवा अपने आप में एक यूनिक सेवा है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है नायाब ढंग से जनता की सेवा करने के लिए। ये सब सोच के साथ में IAS की तैयारी की थी और फिर 2014 में मेरा उसमें चयन हुआ। सर, आपने आप IAS ऑफिसर, तो सर आपने इसकी तैयारी किस प्रकार की है? IAS की तैयारी बेसिकली 4 भागों में हम बांट सकते हैं इसकी तैयारी को। इसकी तैयारी में आपका एक रहता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अर्जित करने के लिए बचपन से ही लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, बचपन से बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस था कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो उसी वजह से एग्ज़ाम निकल गया। सर, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके समक्ष प्रतिदिन किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और आप उनका समाधान किस प्रकार करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो सबसे बड़ा चैलेंज भारत में है वो है समन्वय। जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि डेमोक्रेसी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही लिए जाते हैं। अब स्टेक होल्डर्स में जहाँ एक और हमारे जैसे अधिकारी आते हैं, वहीं दूसरी ओर जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि आते हैं, उसके अलावा सिविल सोसाइटी आती है,
इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स आते हैं, इसके अलावा आमजन से चुने हुए जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। इन सबके साथ समन्वय करना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि कोई भी निर्णय करना है हम एक पक्षीय नहीं कर सकते हैं, सबके साथ समन्वय करके सबकी सहमति के साथ ही हम कोई भी निर्णय करते हैं। स्कूल 20 जून से प्रारंभ होते हैं, तो सर आप हम छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे हम पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सके? संदेश के रूप में सबसे पहला तो मन लगा पढ़ाई करें और करिकुलम के अलावा और बुक्स का अध्ययन भी करें। इसमें नॉन फिक्शन बुक्स भी हो सकती हैं, फिक्शन बुक्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी एक हॉबी होनी चाहिए, आ जाती हैं चेस कैरम, तो एक हॉबी एटलीस्ट इंडोर की भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी बात और है, आज की तारीख में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के रूप में निकल कर आया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जहां एक और हमारी मदद करता है वहीं दूसरी ओर वो घातक भी है, उसका अधिक उपयोग। तो मैं ये भी बच्चों से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें। हमारा विद्यालय गर्ल्स स्कूल है, तो सर आप हम छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्राएं आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है बॉयज से बेहतर परफॉर्म करेंगे। और आज ही की तारीख में क्या, जब हम स्कूल में थे तब भी हम हर साल रिजल्ट देखते थे तो लड़कियां हमेशा लड़कों को पछाड़ती थी, तो लड़कियां इन जनरल बहुत अच्छा काम स्कूल में करती ही करती हैं। बस ऐसा मुझे लगता है कि लड़कियों को और साइंस में आना चाहिए। हमारे देश में ऐसा है कि एक भावना बनी हुई है कि लड़कियां 10वीं तक 12वीं तक तो जो लड़के करते हैं वो करती हैं, लेकिन 12वीं के बाद अक्सर वो आर्ट्स की तरफ चली जाती हैं, जबकि लड़कियां मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत अच्छी हैं। तो हमको आने वाले टाइम में अधिक से अधिक साइंस के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो लड़कियों को विज्ञान के प्रति अपनी रुचि बढ़ाते हुए उसको अपनी उच्च शिक्षा का केंद्र बनाना चाहिए। सर आप हमारे विद्यालय में आए हैं, आपने हमारे विद्यालय को देखा व आपने अभी कंप्यूटर लैब भी देखी है, तो सर आप हमारे विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि इसमें हमारे पास एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत AI की लेबोरेटरी देवास जिले में सबसे पहली हमारे पास आई है। और अगर मैं करिकुलम भी देख रहा था, करिकुलम भी बहुत अच्छा है हमारा। 4 साल का जो करिकुलम है, पहले साल में हमने एप्लीकेशन सीख ली है और अब जैसा कि मुझे बताया है कि हम पाइथन पे भी काम करने वाले हैं, तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि हमारे 40 बच्चे जो हमने चुने हैं वो 40 के 40 बच्चे अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में देश को प्राप्त हों। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि इसका विशाल इतिहास है और बहुत अधिक संख्या में बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा आपकी प्रिंसिपल मैडम को, आपके सभी टीचर्स को कि बहुत अच्छे से इस स्कूल का संचालन हो रहा है। हमें कभी भी इस स्कूल की कोई शिकायत नहीं आती और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं, उसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आप हमारे छोटे से निवेदन पर इस विद्यालय में आए, और आप तो एक जिलाधीश महोदय है तो आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने समय निकालकर आपने हमसे बातचीत करने का मौका दिया, और आपसे बात करके तो मुझे अपने अंदर एक आत्मविश्वास की अनुभूति हो रही है, और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे जिले के सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमें आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम की शिक्षा दी। जय हिंद।